स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी, आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं 15वां वित्त आयोग। और यह टॉपिक आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो आप ये शेयर करें। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने, हम महत्वपूर्ण पॉइंट 15वें वित्त आयोग के। तो आपके सामने लिखा हुआ है 15वां वित्त आयोग। और आपको बता दें, ये टॉपिक आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है, जैसे PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, NTPC, लेखपाल भर्ती, सभी के लिए ये पॉइंट आपके महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि 15वें वित्त आयोग। तो पहला पॉइंट आपके सामने, इसमें लिखा है आपके सामने गठन। तो इसका गठन कब हुआ था 15वें वित्त आयोग का? 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। और दूसरा पॉइंट आपके सामने, अध्यक्ष श्री एनके सिंह, यानी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। और इनका पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। पॉइंट नंबर 3 आपके सामने, अन्य सदस्य। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर अनूप सिंह, और इसके बाद है आपका डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, और इसके बाद आपका नाम लिखा है डॉक्टर रमेश चंद्र, और नंबर 4 नाम है आपके सामने श्री शक्तिकांत दास। यानी कि 15वें वित्त आयोग के ये अन्य सदस्य हैं, और इसमें आपके अध्यक्ष कौन हैं? श्री एनके सिंह। और इसके बाद आपका पॉइंट है नंबर 4, अनुच्छेद है आपका 280, यानी कि जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसका मतलब क्या है? वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं पॉइंट को, 15वां वित्त आयोग, इसका जो गठन है आपका 27 नवंबर 2017 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और ये आपके सामने अन्य मेंबर लिखे हैं, और अनुच्छेद क्या है? 280। तो इसके बाद आपका पॉइंट है, यानी कि 15वें वित्त आयोग के सचिव कौन है इस समय? श्री अरविंद मेहता। ये भी आप ध्यान रखें, पेपर में कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 15वें वित्त आयोग के सचिव कौन हैं, तो श्री अरविंद मेहता हैं। और 15वें वित्त आयोग का जो समय अवधि है वह क्या है? 2020 से 2025 तक की। और इसके बाद है आपका गठन, यानी कि 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? और अगर हम बात करें कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि वित्त आयोग का जो गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें लिखा है आपके सामने कार्य, केंद्र और राज्य के बीच करों को यानी कि वितरित करना। और दूसरा कार्य क्या है? राज्यों को अनुदान और यानी कि सहायता प्रदान करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वित्त आयोग है, इसका जो गठन किया जाता है, जो इस समय चल रहा है आपका 15वां वित्त आयोग, इसके मुख्य कार्य हमने आपके सामने लिखे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का यानी कि करों को वितरित करना। और दूसरा कार्य क्या है? राज्यों का अनुदान या सहायता प्रदान करना। तो ये सभी आप ध्यान रखें, पॉइंट आपके मोस्टमेंट हैं। तो इसके सचिव कौन है? 15वें वित्त आयोग के अरविंद मेहता हैं। और समय अवधि कितनी है? 2020 से 2025 तक की। और गठन कौन करता है इसका? वित्त आयोग का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये हमने आपके सामने दो मुख्य कार्य लिखे हैं,
ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो तैयार कर सकें। और इस प्रकार की वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग हमारे इस चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।